मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नहीं, मुझे किसी को माफ नहीं कर रहा। मुझे तलाक दे दो। वाह आसिफ, तुम मुझे अंधेरे में रखना चाहते थे, झूठ बोलना चाहते थे मुझसे, एक झूठी जिंदगी देना चाहते थे, मुनाफ़कत में रखना चाहते थे। क्यों कर रही हो ऐसा? भाग क्यों रही हो सबसे? तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। मुझे हक नहीं है। तुम्हें पता है कितनी तकलीफ में ढूंढ रहा था तुम्हें, क्या हाल था मेरा? तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हारे बच्चे की फिक्र थी। कम ऑन आयशा, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम बीवी हो मेरी। मेरा रिश्ता पहले तुमसे है, उसके बाद मेरे बच्चे से। तुम अभी चाहते हो कि मैं तुम पे भरोसा करूं? ये रिश्ता जिसकी तुम दुहाइयां दे रहे हो, ये तो कभी था ही नहीं। एक कागजों की हद तक महदूद रिश्ते को बस खत्म कर दो। तुम्हें लगता है इतना कमजोर है ये रिश्ता कि बस तुम्हारी जिद पे खत्म कर दो? तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, पर जिस ताल्लुक में एतबार ना हो, वो ताल्लुक महज एक दिखावा है। क्या बेएतबारी? गलती हुई है मुझसे, ठीक है, सबसे होती है। इसका मतलब ये नहीं माफ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो आयशा? क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं बासित, तुम अब फैसला कर लो। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है फैसला करना? फैसला दिमाग से किया जाता है, लेकिन जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ ना तो दिल बीच में आ जाता है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत सोचा मैंने, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम्हारे बगैर, सोचा था जिंदगी क्या होगी, क्या ये जिंदगी होगी? I felt like a robot. मैं नहीं चाहता तुम जाओ और तुम वापस आ रही हो, हम लोग घर जा रहे हैं। लेट्स गो। नहीं नहीं नहीं, लेट्स गो। नहीं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी बस, लेकिन फिर मुझे याद आता कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, मुझे किस तरह इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया। तो मेरी सांस रुकती है और फिर जब ख्याल आता है कि तुमने उनका साथ दिया, तुमने धोखा दिया, तो नफरत हो जाती है अपनी जिंदगी से मुझे। नहीं 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 आयशा, नहीं आयशा, जो हुआ हम उससे आगे बढ़ चुके हैं और मैं तुमसे उसके लिए माफी मांग चुका हूँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो नहीं, मुझे किसी को माफ नहीं कर रहा। मुझे तलाक दे दो।